नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया के नए संकट मोचक एक तरीके से जिन्हें कहा जा रहा है, नाम है ऋषभ पंत। उनको लेकर चेतेश्वर पुजारा ने एक कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि पंत अगर ऐसी ही बल्लेबाजी करते रहे तो आने वाले वक्त में वो हमारे सबसे बड़े एक तरीके से संकट मोचक हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक नसीहत भी दे दी ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो आप जानते ही हैं, शॉट्स मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और कई बार बीच मझधार में ही टीम को छोड़ जाते हैं, जैसे कि इस टेस्ट मैच में हुआ जब लगभग 73/4 विकेट इंडिया के गिर गए थे। तब पुजारा और पंत के बीच साझेदारी शुरू हुई, पंत ने आक्रामक शॉट्स खेलने शुरू किए, काउंटर अटैक शुरू किया और उसका फायदा भी हुआ। लेकिन फिर जब चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए, उसके बाद पंत जब 91 पर खेल रहे थे, शतक के बहुत नजदीक थे, तो उन्होंने एक फिर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट दे दिया। तो कई लोगों ने, जो भी उनकी आलोचना करते हैं, उन्होंने उन आलोचना करने वालों ने उन पर सवाल उठाया कि आप क्या आराम से नहीं खेल सकते थे, थोड़ा मैच को और आगे ले जाते। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने फिर इस पर क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। पुजारा ने कहा कि पंत ऐसी ही बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए हम उसे ज्यादा रोक नहीं सकते। वो बहुत रक्षात्मक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करने से वो जल्दी आउट हो सकता है। उसके खेल के लिए अच्छा है आक्रामक बल्लेबाजी कि वो अपने शॉट्स लगाता रहता है, लेकिन कभी कभी उसे बहुत सोच समझ कर शॉट चयन करना होगा। यानी कि एक तरीके से हिंट भी दे दी और हिदायत भी दे दी कि कभी कभी, जैसे कि कल ही का मैच था, फंसी हुई थी टीम इंडिया, वहां पर थोड़ा सा सोच समझ कर पंत खेल सकते थे, जरूरत नहीं थी आगे बढ़ के वो छक्का लगाने वाले शॉट की, उसको ग्राउंडेड भी खेल सकते थे। यही समझदारी है, ग्राउंडेड खेल देते, बॉल अगर दूर है, खिंचा हुआ है, आपको नहीं लग रहा कि आप बॉल तक पहुंच पाए हैं, तो आप ग्राउंडेड खेल दीजिए उसको। विकेट देने से अच्छा है कि आप उस बॉल पर थोड़ा सेफ खेल जाएं। यही आने वाले वक्त में एक तरीके से सीखने की और इस गलती से सीखने की, सबक लेने की बात कह रहे हैं चेतेश्वर पुजारा। तो आप क्या मानते हैं इस चेतेश्वर पुजारा के कमेंट पर, बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।